थैंक यू सो मच, इतने मसरूफ आपका वक्त रहता है और आपने उसमें से टाइम निकाला हमारे लिए, वी रियली रियली थैंक यू। पहले तो बताइए सार भाई, रास्ता इज आउट, मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म ऑफ द ईयर। रास्ता नहीं मिल रहा उसको भी। नहीं, वी विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट ऑल द एलिमेंट्स दैट रास्ता हैज फेस्ड, बट आई मीन ये इसमें तो कोई शक नहीं दैट इट इज द मोस्ट टॉक्ड, आई थिंक इट्स द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म ऑफ द ईयर एंड द मोस्ट टॉक्ड अबाउट अ फिल्म Pakistan has made one of the Bilkul. if not the most talked Bilkul. about, I think one of the most. हर लिहाज से देखा जाए, social media पे, personally one on one लोगों में, cinema goers और cinema goers भी और जो business वाले लोग भी, उनमें भी बातचीत होती है, मतलब everybody is talking about रास्ता। पहले तो बताएं कि आप जब फिल्म रिलीज करने वाले थे और जब फिल्म का ट्रेलर किया और जब फिल्म बना रहे थे, did you think that this would be the kind of buzz the film would create? यार I don't know, मैं honest ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं तो कभी कोई भी काम इसलिए नहीं करता कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, सही होगा या गलत होगा। मैं काम इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। राइट, आई डोंट वर्क फॉर सक्सेस, आई ओनली वर्क बिकॉज आई लव वर्किंग। मेरे लिए डेस्टिनी मैटर नहीं करती और कभी मैटर नहीं की, मेरे लिए जर्नी मैटर करता। बिल्कुल। तो मुझे पिक्चर बनानी थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे पिक्चर बनानी चाहिए और मैंने वो पिक्चर बनाई। अब वो कैसे रिसीव हुई, कैसे उसे परसीव किया गया, उसके खिलाफ क्या किया गया, क्या उसको बिल्ड किया गया, ये सारी वो बातें दैट ऑनेस्टली मेरे लिए, मैं एक दो मिनट तक तो मुतासर हो सकता हूँ किसी चीज़ से, बस उसके बाद इट्स यू नो आई मूव ऑन। राइट, तो मेरे लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के ड्वेल अपॉन करूँ कि हाँ ठीक है, आई एम श्योर वी हैव मेड सम मिस्टेक्स, वी मस्ट हैव डन इट, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड फिल्म। जो लोग देख के आ रहे हैं उनको बहुत पसंद आ रही है। आई सॉ इट, इट वाज रियली रियली एंटरटेनिंग। थैंक यू। तो बहुत बहुत अच्छे हैं, और जो जिन लोगों ने उसकी नेगेटिव कैंपेन्स की हैं और उसको रिलीज से पहले उसकी कैंपेन नेगेटिव कर दी, तो आई विश देम वेल, दैट्स ऑल। मेरे पास और कुछ नहीं उनके लिए, बिकॉज सी टू मी डिनो ए आई डोंट हैव टाइम टू रियली मेक अदर पीपल फेमस, आई डोंट वॉन्ट टू मेक देम फेमस, आई हैव डन इनफ। तो आई डोंट थिंक कि मेरी वजह से अगर किसी का दो, सो आई डोंट वांट टू डू दैट। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि इट्स नॉट माय स्टैचर टू आंसर देम बैक। तो दो चार लोग जो उनके जानने वाले हैं उनसे बात करते रहे, कैंपेन जरूर बिल्ड हुई, इसके खिलाफ बिल्ड हुई, बट देन अगेन इससे क्या नुकसान हुआ, क्या लॉसेज हुए, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, टाइम विल टेल। डू यू फील द अटैक्स वर पर्सनल? आपको लगता है कि कुछ ऐसे कुछ आपको लगता है, क्योंकि देखिए मैंने ऑब्वियसली मैं आपको फॉलो करता हूं, पर मैं जो लोग आपके खिलाफ बात करते हैं उनको भी मैं देखता रहता हूं कि कौन क्या क्या बातें कर रहा है, और मैं आपको पर्सनली जानता हूं इसलिए आई नो दैट आधी से ज्यादा क्या 90% 99.9% जो बातें की जाती हैं दे आर वेरी वेरी फॉल्स, बिकॉज आई नो यू पर्सनली एंड आई हैव नोन यू फॉर मेनी ईयर्स। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। मुझे ये बताइए कि जो लोग ये नेगेटिव, देखिए नेगेटिविटी एक अलग बात होती है, क्रिटिसिज्म एक अलग बात होती है, लेकिन डू यू फील के जो कॉमेंट्स, जो बातें की गई, जो ब्लॉग्स लिखे गए, जो टीवी पे बातें की, बिल्कुल, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि वो चीजें पर्सनल थी? एट सम पॉइंट यू फील दैट आई थिंक पर्सनल तो डेफिनेटली थी। अगर हम उसको बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करेंगे और मुझे बहुत अजीम बनने का शौक हो तो मैं बोलूं बोले नहीं थी यार मैं सब कुछ ऐसा, बट ऐसा नहीं है, तो पर्सनल तो थी। तो पर उसको मैं पर्सनल बातें से पहले भी मेरे खिलाफ लोगों ने लिखी हैं और मैंने उसका कभी जवाब नहीं दिया। बिल्कुल। तो आई डोंट वांट टू एवर आंसर देम बैक ऑन अ पर्सनल नोट। When it comes to my personal life, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका prerogative है, आप एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आपकी आज़ाद सोच है, आप अगर मुझे गाली भी देना चाहें, I would never reply you back, because it's not my place to say. No, you're, I know that. That's what. मुझे जो बात तकलीफ देती है वो बात ये है कि यार जब when you talk about the fans and the people of Pakistan, मैंने कल एक आपने देखा होगा। बिल्कुल, मैंने आपका press conference। तो मेरा मकसद सिर्फ एक है कि यार देखो, इधर रहते हो या उधर रहते हो, you can't call people cheap. You just can't. वो ट्वीट थी कि जी चीप स्टार चीप फैंस। सी दैट्स वेरी दैट्स वेरी दैट्स बोल दो यार, मुझे बोलो, क्रॉसिंग द लाइन। देखिए सी मैं आपको सच बताऊं, मुझे आप लिखो, आज लिखो, आज के बाद लिखो, 200 साल तक लिखो, चीप स्टार, आई डोंट केयर, बिकॉज़ यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, यू डोंट मैटर टू मी, यू डोंट लिव माय लाइफ, आई डोंट लिव योर्स, यू डोंट कम टू माय हाउस, आई डोंट कम टू योर्स, आई डोंट नो हाउ यू आर एज अ पर्सन, आई नो हाउ यू फील अबाउट मी, दैट्स नॉट हाउ आई फील अबाउट यू। सही है। टू मी it's great if that's how you feel, that's your prerogative, you're free, you live in a free country, of course you're allowed to think whatever you want to think. I'm never going to take an action against it, I'm never going to say a word, I'm never going to even look down upon you, because see, to me you're not in my world and you don't exist, you don't mean anything to me, you don't just you, you I
आप उनको नहीं जानते ना, मतलब 20 करोड़ लोगों में से 18 करोड़ लोग मुझे जानते हैं. सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. ऑफ कोर्स यू डू नो. लेकिन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग सच horrendous acts of calling people of Pakistan cheap, then that's bad. No, that is bad. That is wrong. That's crossing the line. So, मेरा सिर्फ इतनी बात है. बाकी मुझे कुछ नहीं. अल्लाह ताला उनको बहुत दे और अच्छा दे, अच्छा करे वो और नफरत करे मुझसे. I don't. This I love this confidence. साहब का जो confidence है ना, this is what. और अभी क्या होगा इनको तो जुलाई के अंदर एक और picture. फिर क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे इस बात से? There you go. So there's another film.